ये फर्स्ट चैप्टर पेपर टू च फर्स्ट चैप्टर डिविजन चैप्टर डिफरेंशिएशन हे घेऊन आलेलो आहे ज्यामध्ये आपला पीरियड नंबर आहे 23 है ना वेरी वेल। तो ये है दोस्तों हमारे लिए पीरियड नंबर 23 और ये पार्ट 5 इज हियर नाउ गोइंग ऑन और ये है एक्सरसाइज नंबर 5। देखो दोस्तों लास्ट पीरियड में वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 13। अब देख लो दोस्तों ये है 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए दोस्तों क्या ये इज एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेज टू साइन इनवर्स ऑफ टी, वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेज टू कॉस इनवर्स ऑफ टी और हमें बताना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। देखो दोस्तों तो ये है हमारे ये क्वेश्चन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेज टू साइन इनवर्स ऑफ टी है ना, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ क्या है टी है ना, ये ऊपर भी टी है और नीचे भी टी है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी है, इसको डिफरेंशिएट करो दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी टी है, रूट का डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल रूट के लिए क्या होना हमें 1/2 रूट ए रेज टू साइन इनवर्स ऑफ टी, रूट के लिए दोस्तों 1/2 रूट इनटू रूट छोड़ दो ये रूट छोड़ दो ए रेज टू साइन इनवर्स ऑफ टी है ए रेज टू साइन इनवर्स ऑफ टी इनटू व्हाट बाय है। देख लो दोस्तों पहले रूट का ये रूट के लिए 1/2 रूट देन ए रेज टू साइन इनवर्स इनटू लॉग ए, अब ये साइन इनवर्स के लिए क्या है 1/√(1−t²) है, तो ये है तुम्हारे लिए डी एक्स बाय डी टी दोस्तों। आप देख लो क्या ये है डी एक्स बाय डी टी क्या है दोस्तों, ये ऊपर क्या है ये जो न्यूमरेटर में है दोस्तों न्यूमरेटर में ये वन टाइम है और ये नीचे क्या है हाफ टाइम है ना, ये वन टाइम और ये हाफ टाइम हाफ विल गेट कैंसल, फिर क्या ये अंडर रूट ऑफ ए रेज टू साइन इनवर्स ऑफ टी आता ऊपर इन क्या है दोस्तों लॉर्ड ए बाय क्या है ये अंडर रूट ऑफ 1−t² और ये 2 एज इट इज दोस्तों है, तो ये है हमारे लिए क्या ये है ना ये सेम क्या ये दिस वन इज क्या है हमारे लिए एक्स है दोस्तों इक्वल टू एक्स लॉर्ड ए बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1−t² है, तो ये है हमारे लिए फर्स्ट डी एक्स बाय डी टी। अब ये डी एक्स एक्स के लिए और वाई के लिए सेम रूट दोस्तों यहाँ पर सेम वन सिमिलरली है, एक्स इक्वल टू क्या है ए रेज टू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है ए रेज टू कॉस इनवर्स सेम है, तो क्या ये सिमिलरली देखो दोस्तों सिमिलरली क्या मिलेगा हमें डायरेक्ट ये मिलेगा डी वाई बाय डी टी के लिए एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स क्या आता वाई आता लॉग ए कॉन्स्टेंट और ये 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1- क्या है t², लेकिन दोस्तों क्या ये कॉस इनवर्स है कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर साइन का प्लस और कॉस का क्या ये माइनस, अगर तुम्हें पॉसिबल नहीं तो ऐसा ये ऐसा सॉल्व कर सकते दोस्तों ये एक्स लॉग ए बाय 2 रूट 1−t², ये वाई के लिए माइनस माइनस क्यों ये कॉस इनवर्स है कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस, ये है हमारे लिए सेकंड स्टेप। मैंने एक स्टेप शॉर्टकट लिया दोस्तों यू कैन टेक शॉर्टकट ले सकते इफ यू वांट सॉल्व हाँ देख लो क्या है देख हमारे पास नेक्स्ट जो है डी वाई बाय डी एक्स के लिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा थ्योरम नो थ्योरम क्या है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है हमारे पास वही नो डी वाई बाय डी एक्स यानी क्या है डी वाई बाय डी टी और डी एक्स बाय डी टी है ये डी एक्स बाय डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ये थ्योरम क्या है हमारे पास ये वाई के लिए दोस्तों वाई लॉग ए बाय इंटू अंडर रूट ऑफ 1−t² बाय डी एक्स बाय डी टी के लिए दोस्तों एक नंबर यस
लॉग ए बाय टू इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर है, ये कैंसिल हुआ दोस्तों, ये कैंसिल हुआ, यानी व्हाट माइनस क्या है दोस्तों वाई बाय एक्स, ये है डी वाई बाय टी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स है, ये है डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई बाय ये एक्स बचा ना यहाँ पर, ये है डी एक्स दोस्तों माइनस वाई बाय एक्स। तो ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आओ। हाँ सी हियर, देख लो क्वेश्चंस आर सेम वन, डिफरेंशिएट जो भी पैरामीटर है टी थीटा हमें डिफरेंशिएट करना है यार, टी थीटा डब्ल्यू यू वी व्हाट एवर मे बी जो भी पैरामीटर है यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टुवर्ड्स पैरामीटर। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए देख लो दोस्तों, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होना दोस्तों, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देख लो ये डिफरेंशिएट, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे से, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको ऐसा ले लो लेट क्या है ये u इक्वल टू कौन सा भी चलेगा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये एंड 3 इक्वल टू क्या है ये cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों। देख लो u इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ दिस वन, v इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस वन, हमें पहले को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दूसरे से यानी du बाय dv है ना, हमें होना du बाय dv, लेकिन u किस में है x में, v किस में है x में, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर फार्मूले कौन से है दोस्तों देख लो, यू नो फार्मूले क्या ही है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लास्ट पीरियड में थे ना फार्मूले sin 2 थीटा देन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी व्हाट cos 2 थीटा है ना, इसको ऐसा कर लो दोस्तों बहुत इजी जाता क्या है ये, हाँ पुट x इक्वल क्या है ये x इक्वल टू sin x इक्वल टू tan थीटा पुट कर लो, यानी व्हाट थीटा इक्वल क्या है ये tan इनवर्स ऑफ x है, हाँ क्या है ये u इक्वल टू क्या है ये sin इनवर्स ऑफ 2 sin इनवर्स ऑफ 2 2x यानी व्हाट tan थीटा बाय 1 प्लस क्या है ये tan स्क्वायर थीटा है, एंड v इक्वल क्या है ये cos इनवर्स ऑफ, हां v इक्वल क्या है ये cos इनवर्स ऑफ है ना, के cos इनवर्स ऑफ क्या है 1 माइनस क्या है दोस्तों tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस क्या है ये tan स्क्वायर थीटा है, ये है u एंड अगेन यूजिंग, अब ये फार्मूला यूज करो दोस्तों क्या है यूजिंग क्या है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस क्या है दोस्तों tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है ये cos 2 थीटा है 2 tan बाय 1 प्लस tan स्क्वायर sin 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा राइट, अब देख लो ये क्या है, हां यूज दिस फार्मूले यूज करो दोस्तों, और क्या है ये फार्मूले यूज करने के बाद क्या मिलेगा हमें u इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा एंड v इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा है, क्या मिलेगा अगेन फार्मूला यूज करो दोस्तों sin इनवर्स ऑफ sin x यानी x एंड cos इनवर्स ऑफ cos x के फार्मूले ना हमारे इनवर्स में yes, फिर क्या मिलेगा u इक्वल टू 2 थीटा एंड v इक्वल टू आल्सो 2 थीटा है, फिर u इक्वल टू क्या है हमारे पास थीटा, थीटा यानी क्या है दोस्तों tan इनवर्स ऑफ x और v इक्वल टू 2 इनटू थीटा यानी क्या है हमारे पास ये tan इनवर्स ऑफ x है, करो डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू क्या है फंक्शन किस में है, है एक्स एक्स है ना दोनों डिफरेंशिएट है, देखो दोस्तों ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स,
पहले u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और v को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों के लिए सेम है। हाँ क्या है, डी यू बाय डी वी है, u का डेरिवेटिव दोस्तों du बाय dv, tan इनवर्स के लिए 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, सॉरी यस x विद रिस्पेक्ट टू x, देन dv बाय dx के लिए 2 बाय tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर है। फिर क्या ये वही नो, क्या ये du बाय dv है, du बाय dv क्या है 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर और 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर है, दोनों सेम है ये है ना, फिर ये कैंसिल हो रहा है इक्वल टू 1। ये हमारा थ्योरम मालूम है ना, थ्योरम क्या ये थ्योरम du बाय dx बाय dv बाय dx है, हियर dv बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0, क्या मिल रहा है हमें du बाय dv, ये दोनों कैंसिल होता है दोस्तों, इन दिस वे यू विल गेट ये हमें 1 मिलेगा है ना, ऐसा। तो ये है दोस्तों हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 15, देन देखो 16 के लिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आओ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमें एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है दूसरे से, यानी फर्स्ट पहले को डिफरेंशिएट करना है दूसरे से, यानी पहले को यू बोलो दूसरे को भी है ना, यानी डी यू बाई डी वी है ना। तो क्या है ये क्वेश्चन आर, ये टाइप के क्वेश्चन है, तुम्हें ट्राई करना है, देख लो दोस्तों क्या है यहाँ। हाँ ये क्वेश्चन नंबर देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डिफरेंशिएट करना है टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, क्या है टेन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या ये 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है। हाँ देख लो दोस्तों ये क्या है, फर्स्ट वन हमें होना पहला, देख लो क्या है फर्स्ट वन, u इक्वल टू दोस्तों लेट u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स है, यू नो वेरी वेल हमने सब्स्टिट्यूशंस में देखा है रूट में अगर प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट में अगर प्लस एक्स स्क्वायर है तो कंपल्सरी x इक्वल टू क्या होना दोस्तों tan थीटा है, एक्स इक्वल क्या होना ये tan थीटा ले लो, फिर क्या है देख लो, फिर थीटा क्या मिलेगा हमें थीटा यानी व्हाट tan इनवर्स ऑफ cx, फिर क्या है देख लो u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्या ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा है, चलेगा देख लो, फिर क्या ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर दोस्तों आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर रूट लेने के बाद sec माइनस 1 बाय tan है, फिर इसको अरेंज देख लो यू इक्वल क्या है हमारे पास ये tan इनवर्स ऑफ sec यानी 1 बाय cos थीटा माइनस 1 और ये है sin बाय cos है, देख लो दोस्तों ये tan इनवर्स ऑफ है यदा बस ऊपर 1 माइनस cos थीटा cos cos कैंसिल बाय है दोस्तों sin थीटा, क्या है मालूम है नहीं ये tan इनवर्स 1 माइनस cos यू नो वेरी वेल बहुत बार देखा है, यानी 1 माइनस cos यानी 2 इनटू sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये cos थीटा बाय 2, अगेन sin थीटा ओनली sin थीटा के लिए 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, चलेगा देखो दोस्तों ये क्या है 1 माइनस cos थीटा यानी 2 इनटू sin स्क्वायर थीटा बाय 2, sin के लिए 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 1 sin के लिए कैंसिल, फिर u इक्वल टू क्या है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ sin बाय cos है नहीं sin बाय cos यानी दोस्तों tan थीटा बाय 2 है, तो ये है हमारे लिए tan थीटा बाय 2। तो क्या है नेक्स्ट, बहुत बाकी है दोस्तों, आप क्या ये यू सेम क्या है tan इनवर्स ऑफ
टेन एक्स यानी वो एक्स आता ना, फिर क्या है यू इक्वल क्या है दोस्तों देख लो, यू इक्वल क्या है ये थीटा बाय टू, वन बाय टू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, यानी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों यस सिंपल हाल सॉल्व करना, फिर डी यू बाय डी एक्स की लिए क्या है दोस्तों वन बाय टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये है हमारे लिए डी यू बाय डी एक्स। अभी वी ये तो यू है, अब तो वी बचा है यार, अब वी के लिए यू नो वेरी वेल, वी के लिए देख लो क्या है ये वी को सॉल्व करेंगे हम ऑल्सो वी गुड क्या है ये टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, देख लो दोस्तों क्या है ये यू के बाद वी के लिए यू नो हाँ क्या है सब्स्टिट्यूट करने के लिए कॉम्प्लेक्स कभी भी सॉल्व नहीं होता इतना बड़ा, ये अंडर रूट में क्या है वन माइनस क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर है, कंपल्सरी माइनस के लिए क्या है साइन थीटा, यानी थीटा इक्वल क्या है दोस्तों साइनस ऑफ एक्स है, देख लो ये कंपल्सरी यू शुड नो रूट में माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो साइन प्लस के लिए क्या है हाँ क्या ये वी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू साइन थीटा अंडर रूट ऑफ वन माइनस क्या है ये साइन स्क्वेयर थीटा, अब वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा, यू नो वेरी वेल क्या है टेन इनवर्स ऑफ टू साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वेयर यानी कॉस थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा है हाँ, फिर क्या है दोस्तों फॉर्मूला देख लो टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है साइन टू थीटा हमारे लिए और ये वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा है, यानी व्हाट कॉस ऑफ टू थीटा है ना, यू शुड नो दिस फॉर्मूला दोस्तों वी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ऊपर है साइन टू थीटा, ये टू साइन कॉस है ना, टू साइन कॉस यानी साइन टू थीटा, नीचे वन माइनस टू साइन है वन माइनस टू साइन स्क्वेयर यानी व्हाट कॉस टू थीटा है, तो फिर इसके लिए हम टेन इनवर्स ऑफ साइन बाय कॉस क्या है दोस्तों टेन थीटा है, साइन बाय कॉस यानी टेन टू थीटा, क्या ये यू थिंक क्या ये टेन इनवर्स ऑफ टेन यस यानी क्या ये यस है मिला, ये कहां तक मिलेगा दोस्तों, मैंने भी को ऐसा सवाल करा तुम रिपीट करके एडजस्ट कर लो हाँ, तो मैं आगे यहां पर आपको सॉल्व करके बताऊंगा दोस्तों, क्या ये नेक्स्ट स्टेप यहां पर हाँ थ्री इनपुट क्या है दोस्तों टू थीटा, थीटा यानी क्या है मेरे पास क्या था यहाँ पर सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स है यार, देख लो दोस्तों वी के लिए साइन रखा था मैंने है हाँ, तो फिर देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होना ये डीएक्स होना यानी वो डी वी बाय डी एक्स, साइन इनवर्स के लिए रूट अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये एक पॉइंट है तो है ना, यहां पर नेक्स्ट और लास्ट स्टेप देख लो ये क्या है हाँ नेक्स्ट और ये लास्ट स्टेप देख लो दोस्तों, वे नो क्या है हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स के लिए डी वाई बाय ए डी क्या है डी यू सॉरी हमें क्या ये डी वी बाय डी एक्स हमें क्या होना डी यू बाय क्या होना डी वी होना यानी व्हाट यू नो वेरी वेल क्या ये डी यू बाय डी एक्स और डी वी बाय डी एक्स डी वी बाय डी एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या ये जीरो है हाँ, तो क्या है दोस्तों डी यू बाय डी एक्स यानी व्हाट डी यू बाय डी एक्स के लिए वन बाय टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर और डी वी बाय डी एक्स के लिए टू बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस क्या है दोस्तों एक्स स्क्वेयर कितना आता है ये है ना रेसिप्रोकल ऊपर ले लो यानी व्हाट अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू टू द फोर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर ये है तुम्हारे लिए दोस्तों डी यू बाय डी वी
तो ये थोड़ा अच्छा, ये क्वेश्चन विल बी फॉर 4 मार्क्स हां, दिस विल बी, अगर तुम्हारे एग्जाम में आया तो 4 मार्क्स के लिए आता पॉसिबिलिटी का, तो टेक डाउन देखो ये। हाँ दोस्तों नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो क्या है, ये नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन देख लो ये पीरियड के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 डिफरेंशिएट क्या है, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ये कॉस ऑफ लॉग एक्स है। देख लो दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफरेंशिएट लॉग ऑफ दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू कॉस है, क्या होगा लेट यू इक्वल टू, बोल लो पहले तो डिफरेंशिएट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड वी के लिए बोल दो कॉस ऑफ लॉग एक्स है। अब ये लॉग में है दोस्तों, लॉग में लॉग में डिवीजन है, डिवीजन के लिए यू नो वेरी वेल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये डिवीजन है, माइनस क्या है दोस्तों लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तुम यहां पर इसको यहां पर भी देख सकते हो, थोड़ा मैं स्पेस टर्म करूंगा यहां के लिए, देख लो दोस्तों ये लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ये यू के लिए दोस्तों है, पहले को डिफरेंशिएट करना है तो दूसरे से, है ना, तो ये क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन यहां पर रफ करूंगा दोस्तों, देख लो ये क्या है यहां पर, ऑल्सो इसको वी बोलूंगा है, करो डिफरेंशिएट है क्या, ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों एक्स यू के लिए है, ये दोनों ए एक्स में है और वी भी एक्स में है, करो डिफरेंशिएट डी यू बाय डी एक्स। हाँ लॉग के लिए दोस्तों ये लॉग के लिए क्या है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये लॉग के लिए 1 बाय, देन लॉग के लिए 1 बाय एज इट इज, देन क्या है रूट के लिए दोस्तों 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2 एक्स है, एक्स स्क्वायर का 2 एक्स प्लस एक्स का 1 है, देख लो क्या है यार, ये रूट का 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर का 2 एक्स प्लस एक्स के लिए डेरिवेटिव दोस्तों हमारा एक्स का डेरिवेटिव 1, ये है cos है, आगे क्या है माइनस है, माइनस यानी वॉट ये माइनस 1 बाय है लॉग, लॉग यानी वॉट 1 बाय 1 प्लस एज इट इज दोस्तों, देन लॉग यानी 1 बाय रूट के लिए 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 एक्स, रूट के लिए 1 बाय 2 रूट है दोस्तों, ये रूट का रूट 1 बाय 2 रूट है, 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 एक्स, ये क्या है माइनस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ये पूरा 8 है दोस्तों है, तो फिर क्या है यहां पर ये देख लो, हाँ क्या होता है ये डी यू बाय डी एक्स है, हाँ फिर 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है यस, ये है यहां पर एलसीएम, ये ब्रैकेट में कुछ नहीं आने वाला, इसको क्रॉस कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो फिर ये हुआ डी यू बाय डी एक्स की है, फिर क्या है दोस्तों ये माइनस, ये माइनस है दोस्तों, ये माइनस जो है उसको अंदर लूंगा, ये क्या है कैसा होता है ये प्लस, ये उल्टा है ना,
माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यानी एक्स माइनस टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर। देख लो आगे यहाँ पर ये वन है ना, एक्स बाय रूट, यानी क्रॉस कर लो दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ये कैंसिल हो रहा दोस्तों, ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा, यानी डी यू बाय डी एक्स के लिए वन बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर है ऊपर वन बाय, नीचे वन बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये वन बाय रूट और ये वन बाय रूट कितना होता है, ये टू बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ये है हमारे लिए फर्स्ट स्टेप दोस्तों, डी यू बाय डी एक्स ये पहली स्टेप है, यहाँ तक तुम रिवाइज करके देख लो, देन नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करूंगा मैं इसके लिए, वी के लिए देख लो दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप वी के लिए आप क्या ये है, वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों, एक्स है नहीं, वी को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, फिर डी वी बाय डी एक्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स है ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, देन लॉग के लिए दोस्तों कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ लॉग, लॉग के लिए क्या है वन बाय डी एक्स है, ये है तुम्हारे लिए डी वी बाय डी एक्स। देन वी नो हमारा थ्योरम यूजिंग पैरामीटर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस डी यू है डी यू बाय डी एक्स बाय डी वी बाय डी एक्स है, डी वी बाय डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है। फिर डी यू बाय डी एक्स दोस्तों, डी यू बाय डी एक्स क्या है, अंडर रूट डी यू बाय डी एक्स टू बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और डी यू बाय डी एक्स क्या है दोस्तों, ये माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स है। फिर क्या होता है ये डी यू बाय डी वी के लिए डिवीजन और डिवीजन उल्टा कितना होता है, ये माइनस टू एक्स बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू क्या ये साइन ऑफ लॉग एक्स। देख लो दोस्तों इसको, ये इसका रेसिप्रोकल ले लो दोस्तों। तो इन दिस वे ये है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किए हैं, चार पांच क्वेश्चन होमवर्क के लिए तुम्हारे लिए दिए हैं, तुम सॉल्व करो, इफ एनी डाउट है तो क्वेश्चन नंबर पीरियड नंबर मैसेज करो, क्वेश्चन नंबर पीरियड नंबर मैसेज करो, आई विल प्रोवाइड यू स्पेशल सॉल्व प्रॉब्लम इन केस ऑफ पीडीएफ, और इफ यू वांट हम पीरियड एडजस्ट कर